हाय फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद अपन लोग मिल रहे हैं। लगभग 1.5 महीने के बाद में अपनी मुलाकात हो रही है, क्योंकि मेरा अभी ट्रांसफर हो गया था, इसलिए मेरा किचन भी शिफ्ट हुआ है। और अब हम जान नहीं रहे कि इतने साल में मैं आपको इतनी नई चीज़ देने जा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमारे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं और जब बाज़ार जाते हैं और जब हम लोग कहीं पर मुखवात या पान खाते हैं, तो उनकी सबसे पहली डिमांड क्या होती है? उनकी डिमांड होती है बिल्कुल सही पहचाना, गुलकंद। तो आज की जो मेरी डिश है वो गुलकंद से रिलेटेड है। और जैसे कि अब गर्मी का मौसम आ रहा है, तो मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ गुलकंद का हलवा। आप डेफिनेटली ये डिश ऐसी है जो बहुत जल्दी बनने वाली है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है। इसलिए देखिए उसको मैं कैसे बनाता हूँ और आप लोग भी उसको बनाने का प्रयोग करिए, घर पे देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स देखिए, एक कटोरी गुलकंद जो कहीं भी बाज़ार में आपको मिल जाएगा, लगभग 250-300 रुपये के जी के हिसाब से मिलता है। एक आप जो है एक पाव गुलकंद या 200 ग्राम गुलकंद ले सकते हैं। ताज़ा खोआ लीजिएगा। अगर हमने 200 ग्राम गुलकंद लिया है तो लगभग 100 ग्राम के आसपास हमको खोआ लगेगा। शुद्ध घी, क्योंकि हमको उसको फ्राई करना है, गुलकंद को फ्राई करना है, इसलिए शुद्ध घी। और फिर उसको सजाने के लिए इंग्रेडिएंट लगना है आपको काजू किशमिश का चूरा, काजू किशमिश, बादाम। और टेस्ट बढ़ाने के लिए हम डालेंगे जायफल और इलायची का पाउडर। सबसे पहले हम घी गर्म करेंगे, शुद्ध घी है मेरे पास में, शुद्ध घी को हम गर्म करेंगे। दो चम्मच शुद्ध घी बहुत होता है इसके लिए, क्योंकि बहुत रिच डिश है और बच्चों को बहुत अच्छी रहेगी। और गर्मी के अंदर हम जानते हैं कि गुलकंद जो है ठंडक देता है और हल्का सा गर्म ही इसको हमें सर्विंग करना है इसका। दो चम्मच घी है इसमें, हम लगभग 200 ग्राम गुलकंद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें फ्राई करने के पीछे रीज़न यह है कि गुलकंद में शुगर बहुत ज़्यादा होती है, शक्कर ज़्यादा होती है, तो उसका जो दाना दाना लगता है हम इसको बिल्कुल मैश कर लेंगे उसके अंदर और हल्के आँच पे जो है इसको गुलकंद को थोड़ा सा पकाएंगे। ये ध्यान रखिए कि गुलकंद जलने मत दीजिएगा, अगर जल गया तो पूरा का टेस्ट खराब है। अगर आपके घर में खोआ नहीं भी है तो इसको आप हल्का दूध डाल करके इसको पका सकते हैं, दूध का टेस्ट भी गुलकंद के साथ में अच्छा आएगा। लेकिन अगर खोआ मिल जाता है वेल एंड गुड, जल्दी बन जाएगा आपका आएगा और टेस्टी भी लगेगा। कई जगह पे इसमें आप कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, खाने के अच्छे अच्छे कलर आते हैं, जैसे कहीं जगह कोई ग्रीन कलर आता है, ऑरेंज कलर आता है, तो कलरफुल डिश बन सकती है। अदरवाइज जो है गुलकंद का सेम कलर जो होता है, रेड कलर, डार्क ब्राउन कलर, इस सेम भी बहुत सुंदर दिखता है। इसमें अंदर मैंने थोड़ा सा दूध भी डाला है जिससे कि इसको पकाने में इजी हो जाए थोड़ा सा, और ये अच्छे से मैश हो जाएगा थोड़ी देर बाद, फिर देखेंगे। इसकी खुशबू बहुत सुंदर आती है, तो जैसे ही हमें ये लगने लगेगी इसके पकने की खुशबू आने लग गई है, इसके अंदर हम जो हमने जो खोआ रखा था उसको थोड़ा सा खोए को हम कुछ मैश करके और एक 20-30 सेकंड ओवन में माइक्रोवेव में बॉईल कर लेंगे, उसको कद्दूकस करके खोए को जो है इसके अंदर हम लोग डालेंगे। मुझे लगता है कि पूरी डिश बनने में हार्डली 10-15 मिनट लगते हैं और एक बहुत ही स्वादिष्ट और रिच, जिसको हम कह सकते हैं, ऐसी एक डिश आपके सामने तैयार होगी। अभी आप देखेंगे और देख रहे हैं मैं कैसे बना रहा हूँ आपके सामने।
और ये भी मैं आपको बता दूँ कि इस डिश को, क्योंकि आजकल अक्सर ये होता है कि लोग बाग जो स्वीट बहुत छोटा कम लेना चाहते हैं, और ये कम स्वीट में भी फुल टेस्ट देने वाली डिश है आपकी। मतलब आप किसी को अगर ये 50 से 75 ग्राम भी सर्व करेंगे ना, तो उसको फुल टेस्ट आने वाला है। जैसे कि कई लोग काजू कतली हम लोग देखते हैं बाजार में मिलती है, तो छोटा सा पीस रहता है, छोटी बाइट रहती है उसकी, लेकिन लोग उसको पसंद करते हैं। इसी प्रकार से ये भी डिश है, ये देखिए इसका रंग इस प्रकार से हो गया है, हल्का सा ब्राउनिश कलर आ गया है इसके अंदर। ये ध्यान रखिए कि चलाते रहिएगा, अगर जल गया थोड़ा सा भी ना आपका ये भूलकर, तो टेस्ट बहुत ख़राब होने वाला है उसका। और इस टेस्ट को बचाने के लिए कोई कंटिन्यू आपको उसको सर्विंग करते रहना है। आपने कभी अगर यूपी के अंदर गए होंगे तो देखा होगा कि हलवा जो बनता है इसी प्रकार से बनता है। ऐसा ही मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है गुलकंद का हलवा। और ज़्यादा दिन तक हमें खाना है तो इसको हम प्लेट में जमा करके और इसकी जो है बर्फी नुमा काट करके और 8-10 दिन तक इसकी सर्विस ले सकते हैं। लेकिन खाने का मज़ा इसका जो है हल्का कुनकुना गर्म जब रहेगा सभी है। ये देखिए मेरा हलवा बनके तैयार है, अब हमें इसको हलवा तैयार है। ये देखिए इसको मैं अब एक बाउल में ले रहा हूँ, काजू किशमिश और बादाम इन सब से को डेकोरेट कर दिया हूँ। ये मेरा हलवा तैयार है, लगभग 5 मिनट बाद इसके अंदर जो है हम ये जो जायफल इलायची का जो पाउडर था इसके अंदर हम डालेंगे ताकि इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाए। इसको थोड़ा सा फैला के डालना आवश्यक है ताकि सब सब जगह पर स्वाद आए, सारी बैठने का स्वाद आए। ये देखिए आप, ये मैंने इसको फैला दिया है। ये देखिए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं हलवा बन के, बढ़िया से डिश में सजाकर दे सकते हैं। आप इसको बढ़िया गुलाब के फूल से भी डेकोरेट कर सकते हैं, कलरफुल डेकोरेशन के साथ में। ये मेरी फुल डिश तैयार है, ये मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। ये फुल डिश है, फुल प्रोटीन से भरी हुई, गर्मी के अंदर हल्का गर्म गुलकंद का हलवा, बहुत ही कम पैसे में एक बहुत ही रिची डिश आपको सामने प्रस्तुत की है। अगर आपको पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, देखिएगा इसको बना करके बार ट्राई करिएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है, अगले बार भी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू वेरी मच।